आईपीएल अमन खान ने जड़ा पहला अर्धशतक, अक्षर पटेल ने जोड़े 27 रन, दिल्ली ने गुजरात को दिया 131 रन का लक्ष्य, मोहम्मद शमी ने लिया 4 विकेट। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को आप अगर लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आईपीएल अमन खान ने जड़ा पहला अर्धशतक, अक्षर पटेल ने जोड़े 27 रन, दिल्ली ने गुजरात को दिया 131 रन का लक्ष्य, मोहम्मद शमी ने लिया 4 विकेट। अमन खान 51 के पहले अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को आईपीएल मुकाबले में गुजरात के सामने 131 रन का लक्ष्य रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 6 ओवर में ही उसने 5 विकेट गंवा दिए। यह इस सीजन पहली बार है जब किसी टीम ने पावर प्ले में 5 विकेट गंवा दिए। मोहम्मद शमी ने मैच की पहली ही गेंद पर गुजरात को सफलता दिलाई। उन्होंने फिलिप सॉल्ट को डेविड मिलर के हाथों कैच कराया। सॉल्ट खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद दूसरे ओवर में कप्तान डेविड वार्नर रन आउट हो गए। दिल्ली की ओर से अमन हकीम खान ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अक्षर पटेल ने 27 और रिब्बल पटेल ने 23 रन का योगदान दिया। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी ने 11 रन देकर 4 विकेट झटके। मोहित शर्मा को 2 जबकि रशीद खान को 1 विकेट मिला। आईपीएल अमन खान ने जड़ा पहला अर्धशतक, अक्षर पटेल ने जोड़े 27 रन, दिल्ली ने गुजरात को दिया 131 रन का लक्ष्य, मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट। दिल्ली की ओर से अमन हकीम खान ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अक्षर पटेल ने 27 और रिपल पटेल ने 23 रन का योगदान किया। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी ने 11 रन देकर 4 विकेट झटके। मोहित शर्मा को 2 जबकि रशीद खान को 1 विकेट मिला। अमन खान के पहले अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को आईपीएल मुकाबले में गुजरात के सामने 131 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 6 ओवर में ही उसने 5 विकेट गंवा दिए। मोहम्मद शमी ने मैच की पहली ही गेंद पर गुजरात को सफलता दिलाई।